सो गाइस इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कसमाबाद हैदराबाद। यस गाइस कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? हम मैथ समझ रहे थे, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, सो बी रेडी, कंसंट्रेशन से बैठें, पेन और कॉपी अपने साथ रखें, समझने की कोशिश करें। हम समझने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू है, समझते आ रहे हैं। इक्वेशन सॉल्व करनी है जो आज क्लास में 24th नंबर क्वेश्चन समझेंगे। उसमें इक्वेशन गिवन है, आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होती है। सो अब देखें इस इक्वेशन में रेडिकल में टर्म्स है प्लस हो रहे हैं, तो इक्वल टू साइड पे रेडिकल में टर्म है प्लस हो रहे हैं, सॉल्व करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम हमने समझी थी, ठीक। अब रेडिकल में तीन टर्म है, तीनों रेडिकल्स में, दो टर्म साइड पे आपस में प्लस हो रहे हैं, दो साइड पे एक रेडिकल में टर्म है। तो अब देखेंगे रेडिकल के अंदर जो टर्म है स्क्वायर रूट साइन के अंदर वो किस टाइप के, लीनियर है या क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक। अगर लीनियर फॉर्म में है तो हम डायरेक्ट बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उनको फैक्टराइज करेंगे, सिंपलीफाई करके कैंसलेशन होगी, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन स्क्वायर रूट से आजाद करेंगे। सही है, आई बात समझ रहे आपको, ठीक है। सो आइए समझते हैं, देखते हैं किस टाइप के इक्वेशन है, समझेंगे एंड सॉल्व ठीक करेंगे। सॉल्यूशन अब देखें, जो फर्स्ट फैक्टर z स्क्वायर माइनस का है, वेरिएबल z है पे हाईएस्ट पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक है, दो टर्म है, सही है। प्लस सेकंड टर्म जो है z स्क्वायर मींस ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, दो टर्म है एंड इक्वल्स टू साइड बिफोर z स्क्वायर क्वाड्रेटिक है, तो मींस इनको मजीद सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे आइए, अब देखिए z स्क्वायर माइनस 9 दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर ले सकते हैं, z पे भी स्क्वायर एंड 9 में 3 स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है लिखा, इसे सिंपलीफाई करना। अब z स्क्वायर माइनस 3z, z तो परफेक्ट स्क्वायर है मगर 3z है ये परफेक्ट नहीं, जैसे यहां पर 9 परफेक्ट था होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स को सिंपली z को कॉमन अगर ले लें तो z माइनस 3, सही है, आगे बात समझ में, ठीक है आगे भी बोलते हैं। अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटली कंटेन थ्री टर्म्स, ये भी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो टर्म्स यहां पर, तो तीन टर्म्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इनको सॉल्व करना है तो हम मिडिल टर्म ब्रेकअप करेंगे, फैक्टराइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे, अब देखिए 4z स्क्वायर माइनस 7z एंड माइनस 15 है, ठीक। अब इसको मिडिल टर्म ब्रेकअप करने का तरीका ये, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 60z स्क्वायर नेगेटिव, सही है। अब 60 जो नंबर मिला उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, 2 का टेबल लग सकता है 3 टाइम्स 0 से, 2 का टेबल 30 को 15 टाइम, 15 को 3 का टेबल 5 टाइम एंड 5 को 5 का टेबल 1 टाइम लग सकता है, सही है ये फैक्टर्स मिले। अब क्या करेंगे, ये जो फैक्टर्स आए हैं 4, इन फैक्टर्स को इससे आप मैनेज करें, दो फैक्टर बनाएं, उन दोनों फैक्टर्स को अगर प्लस करें या माइनस करें तो आंसर माइनस का 7 मिले, उन्हीं को मल्टीप्लाई करें 60 तो मिलेगा ही, क्योंकि 60 के फैक्टर्स हैं, मेन चीज है प्लस माइनस है, मिडिल टर्म मिले, सही है। आइए देखते हैं, अब 7 आंसर चाहिए, कैसे 7 चाहिए, हम कैसे इसको सॉल्व करें, 7 मिले तो अगर ले सपोज 3 2 3 जा 6 है, 6 2 जा 12 एंड 5, 12 में 5 माइनस करेंगे 7 आ रहा, मगर माइनस का 7 चाहिए तो माइनस के 12 प्लस के 5 करेंगे माइनस का 7, माइनस 12 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 आ गए फैक्टर्स, सही है आई बात समझ में, फैक्टर्स मिले, फैक्टर्स मिले तो हम लिखेंगे इस पार्ट को भी एंड मजी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4z स्क्वायर माइनस फैक्टर 12 एंड 5 है माइनस 12z प्लस 5z माइनस 15 सेम है होल स्क्वायर, वेरिएबल वही जो मिडिल टर्म में वही लिखे हैं, ठीक आई रे स्टेप समझ में आपको, आगे भी बोलते हैं, सही है आइए। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म्स
माइनस और दोनों का अलग अलग स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में टर्म्स है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म के हिसाब से जेड प्लस थ्री एंड जेड माइनस थ्री फॉर्मूला अप्लाई किया, प्लस दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों स्क्वायर रूट में है, तो दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, सही है, कोई इशू नहीं है। आई इक्वल टू, अब इनमें कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म्स में एंड लास्ट टू टर्म्स में अलग अलग, ठीक है। फोर जेड स्क्वायर माइनस टर्म्स है, तो फोर जेड कॉमन है, फोर का टेबल दोनों को लग सकता है, फोर जेड स्क्वायर में फोर जेड कॉमन लेंगे, बाकी जेड माइनस फोर का टेबल ट्वेल्व को थ्री टाइम जेड कॉमन, सही है। अब इन दोनों में प्लस फाइव जेड है माइनस फिफ्टीन, फाइव को टेबल लग सकता है, फाइव कॉमन ले रहे हैं, बाकी जेड माइनस थ्री और स्क्वायर रूट, आई बात समझ में, कॉमन लिया, ठीक है। अब देखिए दोनों टर्म फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं अलग अलग, कंप्लीट फैक्टर पे एक ही रूट है, तो हम क्या कर रहे हैं इन दोनों को सेपरेट स्क्वायर रूट में ले सकते हैं, ठीक है। ये z स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर z माइनस थ्री अलग रूट में है इक्वल्स टू, अब इसमें दोनों में z माइनस थ्री जो फैक्टर है कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर 4z एंड यहां पर प्लस 5 फैक्टर रह गया, आई बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये टर्म इस साइड पे प्लस हो रहा है, दोनों टर्म्स में z माइनस थ्री जो स्क्वायर रूट में फैक्टर है कॉमन है, तो इस कंप्लीट फैक्टर को हम कॉमन लेंगे, z माइनस थ्री स्क्वायर रूट भी कॉमन लेने के बाद ये z प्लस थ्री स्क्वायर रूट यहां पर सिंपली z स्क्वायर रूट में इक्वल्स टू, अब इस साइड में दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक ही स्क्वायर रूट में, तो हम क्या करें दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, तो आ गया, सही है, ठीक। अब देखिए जो कॉमन फैक्टर z माइनस थ्री रूट में इस साइड पे कॉमन लिया है, कंप्लीट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बोथ साइड पे कॉमन है, तो कॉमन को ये हो गया कैंसिल, आई बात समझ लो, ठीक है, इसीलिए सिंपलीफाई कर रहे थे, तो अब ये आ गया z प्लस थ्री स्क्वायर रूट प्लस z स्क्वायर रूट फोर z प्लस फाइव स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए ये आ गए तीन रूट स्क्वायर रूट ऑलरेडी है, अभी तक भी है, मगर इस फॉर्म का जो टर्म्स है लीनियर फॉर्म में है, सिंपल हो चुका है, गिवन का क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया जो आपके सामने है समझिए हम, अब ये है इस फॉर्म के टर्म्स, अब इनको मजीद सॉल्व करेंगे कैसे, z वेरिएबल है, z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z स्क्वायर में स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट खत्म करना है, तो स्क्वायर रूट खत्म करना है हम टेक आउट करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये z प्लस 3 स्क्वायर रूट में सिंपली z स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर 4z प्लस 5 स्क्वायर रूट में इसका होल स्क्वायर, ये दो टर्म है होल स्क्वायर में या सिंगल टर्म है होल स्क्वायर में, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रिमूव करना है, अब देखिए कैसे, ये दो टर्म प्लस हो रहे हैं होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या है, तो इसमें a मींस रेडिकल में z प्लस 3 जो टर्म है स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला की साइन, a एंड b दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो मींस स्क्वायर वाले दोनों टर्म z प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ, सेकंड फैक्टर z है, सही है, एंड देन प्लस बी स्क्वायर, बी मीन्स जो सेकंड टर्म जो है वो जेड है उसका स्क्वायर, सिंपली जेड, आगे बात समझ में, ठीक है। जस्ट क्या किया है, ये फॉर्मूला यूज किया है, ए ने इस टर्म को चूज किया है एंड बी इस टर्म को चूज किया है, फॉर्मूले के हिसाब से टर्म्स लिखिए, ठीक, इक्वल टू साइड में एक ही टर्म स्क्वायर रूट में, तो होल स्क्वायर वजह से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4z प्लस 5 आजाद हो गया जो आपके सामने है, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में मूव होते हैं हम इस साइड पे,
स्क्वायर रूट होल स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, मींस डैश प्लस 3 आजाद हो गया, प्लस 2। ये दोनों टर्म अलग अलग स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई हो गया, तो हम क्या करें, ए की स्क्वायर रूट लिखेंगे z प्लस 3 एंड z, सिंपली z सिंगल टर्म में पहले लिख रहा हूं एंड z प्लस 3 सेकंड टर्म, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये दो टर्म आपस में प्लस हो गए, प्लस z स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, z आजाद हो गया, बाकी उस साइड पे 4z प्लस 5 ये सम है। आई बात समझ आ तक ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे सिंपलीफाई करते हैं हम। सो जो लाइक टर्म है वो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो प्लस माइनस करेंगे। अब देखिए z प्लस का इसी साइड पे z प्लस भी है, z को z से प्लस करेंगे, z प्लस z हो जाएगा 2z प्लस 3 सेम है, 3 में ये 2 प्लस नहीं हो रहा क्योंकि ये 2 इस कंप्लीट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैथमेटिक्स का रूल है पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक, तो इसलिए प्लस 2 स्क्वायर रूट में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो z into z z स्क्वायर प्लस z 3 के साथ मल्टीप्लाई का 3z, अभी तक स्क्वायर रूट है रिमूव नहीं हुआ, 4z प्लस 5 उस साइड पे सेम, ठीक। अब देखिए इस साइड पे एक स्क्वायर रूट भी टर्म है, इसको आजाद करेंगे क्योंकि z को आजाद करना है, अभी तक स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट के अलावा जो भी टर्म है उनको साइड में शिफ्ट करेंगे, तो z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर रूट भी ये सेम है, 4z प्लस 5, अब ये 2z उस साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस 2z, 3 माइनस का हो गया उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो सही है स्क्वायर रूट टर्म आजाद हो गया, 2 z स्क्वायर प्लस 3z सेम है। अब देखिए उस साइड पे 4z माइनस 2z लाइक टर्म है, वेरी गुड, z में 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2z प्लस 5 माइनस 2 3, 5 में 3 माइनस करेंगे बाकी 2 रहेंगे, सही है ठीक। अब देखें 2 z स्क्वायर प्लस 3z सेम है, ये दो टर्म है, दोनों टर्म में 2 जो वो कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेंगे बाकी z प्लस 2 कॉमन आ गया बाकी 1 कॉमन, तो कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया कॉमन इसीलिए लिया है। अब देखिए साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई में फैक्टर के साथ इक्वल टू साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई में फैक्टर के साथ, तो 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कॉमन ले लिया कैंसिल हो गया, सिंपल हो गया, आगे सिंपल होगा z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर रूट में तो साइड में सिंपली z प्लस 1 ब्रैकेट में, सही है तक आई बात समझ में आप लोगों को। अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट रिमूव करना है, स्क्वायर रूट करना है कैसे रिमूव करेंगे हम, अगेन बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगेन क्योंकि पहले स्क्वायरिंग की है उसलिए दोबारा लिखा है, अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, सो z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर रूट में टर्म है होल स्क्वायर उस साइड पे z प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये टर्म स्क्वायर रूट में स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो z स्क्वायर प्लस 3z बाहर आ गया इक्वल्स टू, ये दो टर्म प्लस हो गए होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a इज z b मींस 1 a स्क्वायर 2 a की वैल्यू z b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर मींस जो सेकंड टर्म 1 है उसका स्क्वायर a एंड b, सही है आइए बात समझ में, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं ठीक। अब देखिए ये z स्क्वायर प्लस 3z इक्वल्स टू z स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 वैल्यूज आर 2 z प्लस 1 स्क्वायर मींस 1 ही रहेगा, सही है यहां तक समझ में आएगा ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस साइड में भी टर्म है उस साइड में भी टर्म है, मजीद सिंपलीफाई नहीं हो रहे, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी मजीद सिंपलीफाई नहीं हो रहे, तो अब किसी एक साइड पे डिसाइड करेंगे कौन सी साइड पे हम इसको शिफ्ट करें ताकि सारे टर्म एक साइड हो जाए सिंपल कर सके सिंपलीफाई कर सके। तो अब देखिए ये z स्क्वायर यहाँ पर भी z स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम है, तो सेकंड टर्म देखेंगे लार्जेस्ट साइड कौन सी है 3z उस साइड पे 2z, अब कौन सी साइड लार्जर है ये, क्योंकि यहाँ पर z और 3 है वहां पर 2z,
छोटा हो गया साइड, तो इस साइड के जितने भी टर्म है सभी सारे टर्म इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। 3z z स्क्वायर माइनस में आ गया, 2z भी माइनस में आ गया, 1 इस साइड पे माइनस में हो गया, बाकी उस साइड पे 0 क्योंकि सारे टर्म शिफ्ट हो चुके हैं, तो साइड पे 0 z स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल। ठीक, 3z माइनस 2z तो बाकी सिंपली 1z में z रहेगा, माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z के साथ 1 माइनस हो रहा, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये 1 हो गया प्लस का, ये z की वैल्यू रिक्वायर्ड वेरिएबल। सही है, अब देखिए z की वैल्यू मिली है हमारे पास गिवन क्वेश्चन में, जो इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक टाइप इक्वेशंस थी। सो अब देखें क्वेश्चन में जो वेरिएबल था z स्क्वायर, z पे हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब z की भी वैल्यू 2 मिलनी चाहिए, एक नहीं, जैसे यहां पर एक ही मिली है, दो वैल्यू मिलेगी। अब दूसरी कहां से ले आए, मिली एक है तो अब देखिए दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हमने पहले सिंपलीफाई किया था, एक फैक्टर कॉमन लेकर कैंसिल किया था, जिस फैक्टर को z - 3 स्क्वायर में फैक्टर कॉमन लेकर कैंसिल किया था, तो सेकंड वैल्यू z की ये है। सही है, इसी टाइप का अगर प्रॉब्लम आपके हो सामने आ जाए सॉल्यूशन में, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस z के दो वैल्यूज, एक वैल्यू आई दूसरी कहां से ले आए, दूसरी वैल्यू वहां से मिलेगी जो आपने फैक्टर कॉमन लेकर कैंसिल किया था। ठीक है, अब देखें Now we take factor z minus 3 square root में equal to 0 के factor लेंगे, equal to 0 क्योंकि equation है। अब square root के अंदर क्या है, square root हटाना है, square root हटाना है, तो square root हटाने के लिए हम क्या करेंगे, by squaring on both sides। ठीक, इसको रिटर्न है, इसको रिटर्न, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, z - 3 स्क्वायर रूट में होल स्क्वायर उस साइड में सिंपली 0 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया, z - 3 इक्वल टू 0 स्क्वायर में सिंपली 0, तो z के साथ 3 माइनस में उस साइड पे शिफ्ट करेंगे 3 प्लस का हो गया, क्योंकि z आजाद करना है, z की वैल्यू चाहिए, तो z के साथ ये टर्म प्लस उस साइड में माइनस हो गया। ओके गाइस, आई बात समझ में, ये सेकंड वैल्यू z, फर्स्ट वैल्यू z की 1 एंड सेकंड इज 3, तो फाइनली यही है सॉल्यूशन सेट गिवन क्वेश्चन, z की वैल्यू 1 एंड सेकंड वैल्यू मिली है 3 आंसर। ओके गाइस, सिंपल था, बस इसमें एक चीज आपको यही ध्यान रखनी है, इक्वेशन जो गिवन है उसमें वेरिएबल में पावर जितना भी होगा उसके हिसाब से उनके रूट होने चाहिए। तो यहां पर देखिए सॉल्व करने के बाद z वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 था, मगर z की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, एक ही वैल्यू मिली है, वैल्यू तो 2 होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी कहां से लाएं, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो कॉमन लेकर फैक्टर कैंसिल हुआ है सेकंड वैल्यू वो फैक्टर। ठीक है, आएगा बात समझ में, तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन, सिंपल था, कोई टिपिकल नहीं है, समझते आ रहे हैं वही स्टेप्स हैं, जस्ट आप समझने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन से समझें, नहीं समझ में आ रहा आपको फिर भी अगेन अगेन समझें, नोट करते जाएं, प्रैक्टिस करें अगेन अगेन, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, समझ में 100% कहता हूँ आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे, अल्लाह हाफिज़।